छूटने का पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मतलब क्या होता है। बच्चे के जो लंग्स होते हैं उसपे अगर पानी बहुत ज्यादा लीक कर गया है, अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, तो बच्चे के लंग का जो विकसित होना होता है वो रुक सकता है। मैं डॉक्टर पूनम अगो और आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में पानी का छूटना कितना खतरनाक हो सकता है माँ और बच्चे के लिए। पानी छूटने का पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मतलब क्या होता है। जो फीटस यानी जो बेबी होता है वो गर्भ के अंदर एक पानी की थैली के अंदर रहता है, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक गुब्बारा है, उसके अंदर पानी है और उसके अंदर बेबी है। तो ये जो पानी होता है ये बच्चा इसी को पीता है, उसी से उसके लंग डेवलप होते हैं, इसी को ही वो यूरिन से निकालता है और ये जो है पानी सर्कुलेट होता रहता है बच्चे के अंदर। ये पानी बच्चे को मूवमेंट होने में, ग्रोथ होने में और सबसे ज़्यादा लंग्स के डेवलप होने में हेल्प करता है। तो क्या होगा अगर ये पानी छूट जाए? अगर ये पानी छूट जाता है, अगर आपका प्रेगनेंसी 6 महीने तक भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी बन रहा होता है शुरुआत के टाइम पे, मान लीजिए 4 महीने 5 महीने का टाइम है और पानी लीक कर गया है, तो ये बच्चे के लंग डेवलपमेंट ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। और ऑब्वियसली ये जो सैक होता है ये स्टराइल सैक होता है, इसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता, बाहर से कोई चीज़ इसके अंदर नहीं आ सकती। लेकिन अगर इसमें कोई लीकेज हो गया है तो कोई भी इन्फेक्शन उस लीक के थ्रू अंदर जा सकता है, जो कि बच्चे को संक्रमित कर सकता है और माँ को भी संक्रमित कर सकता है। इसको हम कोलियो एमनियोनाइटिस बोलते हैं। तो इसमें हमें ये बहुत ध्यान रखना होता है कि बच्चे के साथ साथ माँ को भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा हो। अगर ये गर्भावस्था का टाइम 5 महीने 6 महीने मतलब 6 महीने से कम है तो उस टाइम पे ये काफ़ी रिस्की हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आगे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है एक्सटेंड करने के लिए। ऐसे में कई बार नेचर खुद से ही लेबर पेंस ला देती हैं और डिलीवरी हो जाती है। कब लेबर पेंस आएंगे, कब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा पानी लीक होने के बाद, ये कहा नहीं जा सकता, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई बार 24 आवर्स में ही पेशेंट लेबर में चली जाती है और कई बार 1-2 महीने का टाइम भी निकल जाता है। लेकिन ये जो टाइम होता है इसमें हमें बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट, इन्फेक्शन, माँ को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बच्चे के जो लंग्स होते हैं उस पर अगर पानी बहुत ज़्यादा लीक कर गया है, अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, तो बच्चे के लंग का जो विकसित होना होता है वो रुक सकता है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना होता है। और अगर ये प्रेगनेंसी आपका 6 महीने से ऊपर है, मतलब बच्चा पूरा बन चुका है लेकिन अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन अगर बाहर आता है तो हम उसे नर्सरी में रख के सर्वाइव करा सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो 6 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी में अगर पानी लीक होता है तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहता है कि हम इस प्रेगनेंसी को 34 वीक्स तक ले जाएं या 8 महीने तक ले जाएं, ताकि बेबी जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट में आके उसको कम स्ट्रगल करना पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली एक 28 वीक्स का बेबी और एक 34 वीक्स का बेबी नर्सरी में सर्वाइवल जो है, जितना माँ के गर्भ में बच्चा ज़्यादा टाइम बिता देता है उसका बाहर सर्वाइवल उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई बच्चे को इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, उसका ग्रोथ हो रहा हो और माँ को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, ये टाइम टू टाइम हमें टेस्ट कराते रहना होता है। और जब हमें लगता है कि बेबी को हम बाहर नर्सरी में हैंडल कर सकते हैं, हमारे पास वो उस लेवल की फैसिलिटीज़ हैं, पीडियाट्रिशियन है, न्यूनेटोलॉजिस्ट है, तो हम बच्चे को कुछ ज़रूरी इंजेक्शन्स जो होते हैं लंग मेच्योरिटी के, वो दे के बच्चे को बाहर निकालते हैं। इसमें ये हमको प्रेगनेंसी को कहाँ तक एक्सटेंड करना है ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी भी कर सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके पास नर्सरी की कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप बच्चे को बाहर क्या फैसिलिटी दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ऑब्स्टेट्रिशियन डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा पानी अंदर कितना कम है उस पर भी डिपेंड करता है, और माँ की और बच्चे की इन्फेक्शन की या दूसरी रिपोर्ट्स क्या है,
उन सब चीजों पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका किस टाइम पे डिलीवरी कराया जाएगा। लेकिन अगर आपके 8 महीने पूरे हो चुके हैं और आपको लीकिंग हो गई है, तो ऑब्वियसली उसमें डिलीवरी कराना ही सेफ ऑप्शन होता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो काफी मेच्योर हो चुका होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी कुछ क्वेरीज सॉल्व की होंगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आप विजिट करना चाहें आके, तो हॉस्पिटल है हमारा माता रूपरानी मको हॉस्पिटल, दिल्ली उत्तम नगर, नीचे एड्रेस लिया हुआ है, वहाँ पे आके आप हमें विजिट कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।